एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू सेठ ब्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। इस ब्लॉग की शुरुआत मैं दोपहर टाइम से कर रही थी और यहाँ पे देखिए मेरे दोनों बच्चे खेल रहे थे और ये मिकी माउस को सजा रही है, मेकअप कर रही है, कपड़े धुले हैं, सब गीले कपड़े हैं, देखिए पानी बहुत ही जोर से हो रही है, बहुत ही ज़्यादा जोर से हो रही है। सुबह में बहुत ही तेज धूप था लेकिन अभी होने लगा है पानी और मैंने कपड़े आज बहुत सारे धो लिए थे कि सूख जाएंगे धूप निकला है तो, और पानी गिरने लगा तो बताइए मैं क्या करूँ, बहुत परेशानी हो रही है कपड़े वपड़े सुखाने में बारिश के मौसम में। बट कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दो दिन तीन दिन कभी भी सूखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए लड्डू महोदय रो रहे हैं। क्या दिखाना चाहती हो बेटा, दिखाओ इन लोग को। हाँ मैंने दिखा दिया है बेटा, मैंने दिखा दिया है। अच्छा मैम ने पेरेंट्स मीटिंग में आपको क्या बोला है? रीडिंग करना है। रीडिंग बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही वीक है आपका, मैम ने ये बोला है ना? तो रीडिंग आपको सीखना है, करना है। इंग्लिश भी? ओ बेटा, जब स्कूल खुलेंगे ना तो मैं आपको कोचिंग लगा दूंगी, आप करना, ठीक है? कोचिंग हिंदी रीडिंग आता है ना, इंग्लिश रीडिंग नहीं आ रही है ना? ये मेरी बच्ची का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है फ्रेंड, इसको इंग्लिश रीडिंग नहीं आ रही है। और हम लोग भी हिंदी मीडियम है, गांव में हिंदी मीडियम ही पढ़ के आए हैं, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। रीडिंग वैसे मैं इसको सिखाती हूँ, रीडिंग तो कर लेती हूँ मैं, ऐसा नहीं है। हाँ लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग वो मुझे, और मैं सोच रही थी कि चलो मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ के इंग्लिश स्पीकिंग करना मतलब सब सीख जाएंगे, बट ये कोरोना टाइम में ना ये क्या हो गया, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया। और कोचिंग वगैरह भी लगाती मैं, बट क्या मैं बताऊं। तो फिर ठीक है, चलिए अब चलते हैं लंच टाइम। आप कर ली हो? ये आपका बाल इधर आ जा रहा है बेटा, लग रहा है कि छोटा बड़ा कट गया है, ऐसे ऐसे। हाँ अब ठीक हो गया। हेयर बैंड क्यों नहीं लगाई, भूल गई? अच्छा चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ खाना खाने, ठीक है? इनको ना खाना वगैरह टिफ़िन वगैरह सब दे करके भेज दिया है, मैंने अभी खाना नहीं खाया है, मैं जा रही हूँ अभी खाना खाने। तो बनाई थी मैंने सरगोड़ा का पकोड़ा, अरबी का पकोड़ा, अरबी के पत्तों का पकोड़ा, तो अभी जा रही हूँ उसको भूनने। ये महीने का राशन है फ्रेंड्स, और दाल धूप में डाली थी मैं सूखने के लिए और पानी गिरने लगा है, तो अभी इसको डब्बे में भरना है साफ़ करके। इसमें वैसे कुछ है नहीं लेकिन मैं सोच रही हूँ इसको साफ़ करूँगी, थोड़ा सा देख लूँगी। और कंटेनर मैंने धुल दिए हैं जो कि जिसमें मैं दाल रखती हूँ, और इसको भरना है। ये दाल ना मेरा एक महीने चलता है, एक महीने कुछ दिन चल जाते हैं, 5-6 दिन, और इतना बहुत है, ये 5 किलो दाल है। तो फिर ठीक है, तो ये देखिए मैं अभी इसको भून रही हूँ, और इसको गरम गरम खाने में ही मज़ा आता है। और इसमें तेल मैंने अचार का डाला है, अचार वाला तेल, और ये भून जाने के बाद मैं लंच कर लूँगी। और हम इसमें चाहेंगे आप तो ग्रेवी लगा करके भी सब्जी बना सकते हैं, बट मैं क्या करती हूँ ऐसे सूखा मुझे बहुत पसंद है, और मैं बेसन वगैरह कुछ में नहीं इसको भरती हूँ, हम लोग ऐसे ही खाते हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से लंच के बाद। अभी धूप भी हो चुका है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा खासा, अभी पानी गिर रहा था आप लोगों ने देखा ही एकदम जस्ट अभी, और अभी धूप हो चुका है। मैं आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखा रही हूँ, आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए
पानी गिरा, अभी धूप भी हो गया, सूखने भी लगा और मैंने कपड़े सूखने के लिए डाल दिए सब। देखिए सड़कें अभी गीली हैं और धूप हो चुका है, यानी बहुत अच्छा हुआ पानी गिरा, तुरंत धूप हो गया। चलिए अब चलते हैं घर। घर में देखिए सब कपड़े डाली हूँ मैं, ये नहा के घर भी डाली हूँ। ये बालकनी में पानी था, साफ़ की हूँ मैं, अभी सूखने वाला है, सूख जाएगा उसके बाद ठीक हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सब्जियों को धुल के रखा है सूखने के लिए, जब ये सूख जाएंगे तो मैं फ्रिज में इनको स्टोर करके रख दूँगी। और सब्जी बहुत ही ज़्यादा आ गया है देखिए, और ये कम से कम एक से डेढ़ हफ्ते दो हफ्ते चली जाएंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप सभी को मिले। इसी के साथ धन्यवाद, श्री राधे राधे।